बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो कि बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर में महावीर हत्याकांड का खुलासा, बेटा निकला पिता का कातिल, 1 लाख रुपए नहीं मिलने से नाराज था हत्यारोपी बेटा। राजू उर्फ राजकुमार जूते के फीते से गला दबाकर किया राजू ने अपने पिता महावीर का कत्ल, साइंटिफिक ढंग से किया। पुलिस ने महावीर हत्याकांड का खुलासा, मृतक महावीर के शव पर मिले थे इंसान द्वारा काटने के निशान। पुलिस ने मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के जबड़े का नमूना लेकर भेजा था प्रयोगशाला। महावीर के बेटे राजू उर्फ राजकुमार के जबड़े और मृतक के शरीर पर मिले काटने के निशान हुए मैच। वैज्ञानिक सबूत मिलने के बाद पुलिस ने राजू को किया अरेस्ट। पुलिस के मुताबिक राजू ने किया गुनाह कबूल। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे की निशानदेही पर कपड़े और डायरी की बरामद। आपको बता दें कि 24-25 जून की रात को ट्यूबवेल पर हुई थी महावीर की हत्या। आपको बता दें कि बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के गांव सुरजावली का मामला। तो ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले हैं, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पर पहुँचे तो आसपास कोई भी CCTV नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुज़ुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही, घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला जो कि अक्यूज़्ड को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक है, मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच करता हुआ दिखा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं राजू, उनका हम लोगों ने जब बॉडी को देखा तो उसके ऊपर हमें चोटों के निशान भी मिले जो कि 5 से 10 दिन पुराने थे। उसका मेडिकल एनालिसिस भी कराया गया जो कि पाया गया कि ये एक आपसी लड़ाई के अंदर नेल्स से होने वाले मार्क्स हैं या पुराने कंट्यूजन्स हैं। तो राजू से फिर इन सारे फैक्ट्स को लेके जब पूछताछ की गई तब राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और 1 लाख रुपए के विवाद को लेके उसे 1 लाख रुपए की सहायता चाहिए थी अपने पिता से, जो करने से मना कर दिया था। राजू एक आदतन शराबी है, डेली ड्रिंक करता है, उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और इसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई। उसी मारपीट में जब इसे लगा कि, क्योंकि ये अपने पिता से शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, तो इसने बचाने के प्रयास में जब छप्पर पे हाथ डाला तो इसके हाथ में एक जूते की लेस टाइप आई और उससे इसने फिर गला घोट के अपने पिता की हत्या कर दी। इसने उसके हत्या के उपरांत जितने भी कागजात थे जो इनके पिता हिसाब किताब करते थे, लेन देन पे पैसे देते थे, तो इन्होंने वो सारे लेकर एक खेत के अंदर जाके उसको जला दिया और उस खेत को जतवा के पानी भी भरवा दिया। तो इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, बट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रहा है वो ये बाइट मार्क्स रहे हैं जिससे कि हम लोग फाइनली अभियुक्त को नैप कर पाए। बरामदगी इनसे एक हिसाब की डायरी हमें मिल गई जो इनके हाथ नहीं लग पाई थी, जिसपे उनका हिसाब किताब है जो मृतक है उनका, और जो अभियुक्त है उन्होंने घटना के वक्त जो भी कपड़े पहने हुए थे वो भी, वो कई बार इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है उन पे भी, पर वो सारे कपड़े बरामद कर लिए। इन ये अपनी ही पत्नी के हत्या, दहेज हत्या के अपराध में ये जेल जा चुके हैं, ये भी और जो मृतक हैं वो और इनकी माता जी, ये तीनों जेल गए थे उसी अपराध में।